दोस्तों, मेरी पुरानी कटहल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों को बहुत पसंद आई वो। तो इस साल मैंने सोचा कि कटहल को और डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। इस ग्रेवी में कटहल का स्वाद एकदम यूनिक आता है और अंदर तक फ्लेवर की तो गारंटी है, तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कटहल को हमें ट्रीट करना चाहिए, यानी कि कटहल के अंदर फ्लेवर टेक्सचर लाने के लिए आप प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालना, उसमें नमक, हल्दी और कटहल डाल देना। मैंने यहाँ पर आधा किलो कटहल का इस्तेमाल किया है और उसको बड़े बड़े पीसेज में कटवाया है। हाई फ्लेम पर आपको कुकर की सिर्फ एक ही सीटी लगवानी है, सिर्फ एक सीटी में काम हो जाएगा। एक सीटी के बाद आप गैस को बंद कर देना और जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा, आप देखना कटहल लगभग 60-70% पक चुकी होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सॉफ्ट है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ना दोस्तों, इससे कटहल के अंदर तक टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने नमक डाला है और हल्दी से कटहल क्लीन भी होगी और फ्लेवर भी इन्हांस होगा। तो अभी कटहल बहुत ही रूखी है, बहुत ही ड्राई है, इसके अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं है, तो वो हम आगे ट्रीट करेंगे कटहल को। लेकिन अभी आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, क्योंकि अभी हमें कटहल पूरी तरीके से ठंडी चाहिए। तो जितनी देर में कटहल रेस्ट कर रही है, उतनी देर में आप यहाँ पर 5 प्याज काट लेना। स्लाइसेस ही करने हैं दोस्तों आपको, ज़्यादा फाइन चॉपिंग कुछ नहीं करनी। बस स्लाइसेस करने के बाद ऐसे ऐसे आप प्याज को अलग ज़रूर कर देना, ताकि वो इवनली पक पाए और ब्राउन हो पाए, क्योंकि इस रेसिपी की मेन जान ही प्याज है। यहाँ पर ना अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना है आपने। आपने बस मिर्ची, एक पूरी लहसुन और 2 इंच तक अदरक को रफली चॉप करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। लेकिन दोस्तों, मिक्सी में आप पानी थोड़ा सा ज्यादा डालना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों जब आप कुकिंग कर रहे होगे और ग्रेवी पका रहे होगे। तो ये अदरक लहसुन आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करेगा, आप खुद ही देखना। फिलहाल सीधा हम लगन पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। सरसों का तेल कटहल का फ्लेवर इनहांस करता है दोस्तों। आप इस रेसिपी में ये ध्यान जरूर देना कि आपने यहाँ पर तेल का ज्यादा यूज करना है, बहुत जरूरी है दोस्तों। कटहल भी एकदम रूखी है, सूखी है, यहाँ पर हम उसको फ्राई भी करेंगे टेक्सचर के लिए, तो काफी तेल तो वो पी जाएगी और आगे जाकर हमें भुनाई भी बहुत करनी है, तो तेल का यूज एकदम सही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप आधा कप सरसों के तेल को अच्छे से गरम करना, धुआं निकलने तक। और गरम गरम तेल में वो जो कटहल हमने बॉइल करके रखी है ना कुकर में, उसको डाल देना। और फ्राई करते वक्त दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक जरूर डाल देना, ये और भी फ्लेवर एनहांस करेगा। इनफैक्ट तलने के बाद आप कटहल को ऐसे डायरेक्टली भी खाओगे ना, तब भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, आपको कटहल को यहाँ पर अच्छे से पकाना है। मैंने आपको बोला है ना, कटहल काफी रूखी है, तो जो तेल है वो उसमें टेक्सचर लाएगा। आप ये देखो, इस स्टेज तक आपको कटहल को पकाना है दोस्तों, यानी कि अच्छे से ब्राउन करना है, कलर लेना है, और तभी आपकी कटहल का बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, है ना, एकदम बढ़िया। चलो अब इसी तेल में हम आगे कुकिंग करते हैं। मैंने थोड़े से गरम मसाले डाले हैं और वो सारे आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बार में भी लिखते हैं। और सीधा ही अब आप यहाँ पर वो जो स्लाइस करे हुए प्याज है ना, उसको आप डालना। प्याज की कुकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों इस रेसिपी में, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि मेन इंग्रेडिएंट ही प्याज है ग्रेवी में। तो अब यहाँ पर उनको ब्राउन करते रहना। शुरुआत में गलती से भी अदरक लहसुन का पेस्ट या ऐसा कुछ मत डालना। जैसे ही प्याज में हल्का सा रंग चढ़ना शुरू होगा ना दोस्तों, तो फिर आप फटाफट से गैस को लो पे कर देना, हाई फ्लेम पे मत करना। और जब रंग चढ़ना शुरू हो जाए, तो इस टाइम पर आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल देना और इनको थोड़ा सा भून लेना प्याज के साथ। ये देखो, आप अभी से ही बढ़िया सा रंग आ रहा है ना, तो अब आप डालना अदरक लहसुन का पेस्ट और सारा निकाल लेना थोड़ा सा और पानी डाल के। और ये पानी इतना मैंने क्यों डाला है दोस्तों, इसलिए डाला है ताकि प्याज की जो कुकिंग है वो मैं कम्प्लीटली रोक पाऊँ। अगर प्याज की कुकिंग नहीं रोकूंगा तो भुनते भुनते प्याज जो है वो कड़वे हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर अदरक लहसुन की कुकिंग को भी अच्छे से करना है, तो इसलिए यहाँ पर पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पर तब तक पकाना जब तक तेल अलग नहीं हो जाता। फिर आपने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डालनी है। मैंने उसके लिए सिर्फ 2 देसी टमाटर लिए हैं, उनको रफली काट कर मिक्सी में एकदम फाइन पेस्ट बना लिया था। तो अदरक लहसुन को अच्छे से पकाने के बाद जब तेल अलग हो जाए, तो फिर आप यहाँ पर टमाटर की प्यूरी भी डाल देना और थोड़ा सा पानी डालकर हर एक प्यूरी निकाल लेना। ये पानी भी हेल्प करेगा कुकिंग को रोकने के लिए और आपकी भुनाई को बढ़ाने के लिए।
और अब टमाटर आए हैं तो आपने नमक तो डालना ही है, तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच नमक डाला है और अब टमाटर को तब तक पकाया है जब तक इससे तेल अलग नहीं हो जाता। टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं दोस्तों, उनको इतना टाइम नहीं लगता। जैसे ही तेल अलग होने लग जाए तो फिर साइड में आप एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लेना। यहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम दही में एक चम्मच तक गरम मसाला डालना और एक बड़ा चम्मच तक मीट मसाला डालना। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, मीट मसाला नॉनवेज नहीं होता। मीट मसाला सिर्फ मसालों का एक कॉम्बिनेशन है जो कि कटहल के फ्लेवर को यहाँ पर बहुत इन्हांस करेगा, तो अगर आप हो सके तो उसका इस्तेमाल जरूर करना। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर किचन किंग मसाला या शाही पनीर मसाला उसका भी यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर फ्लेवर आ ही जाएगा। और यहाँ पर मसालों को दही में डालने से एक तो हम भुनाई का जो टाइम है वो अच्छे से बढ़ा देंगे, इससे आपके मसाले कड़वे भी नहीं होंगे और दही जो है वो आपकी रेसिपी में एक बैलेंस भी लेकर आएगी। तो बस अब आप दही डालना मसालों के साथ और इसको तब तक भूनना जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखो दोस्तों, इस टेक्सचर तक आपको भूनना है और सच में आपकी ग्रेवी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। जैसे ही आपका मसाला अच्छे से भुन जाए तो अब आप यहाँ पर कटहल डालना जो हमने फ्राई करके रखी थी, और अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना, ज्यादा पानी मत डालना। इस रेसिपी को आपको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है तभी ये अच्छी लगेगी, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर। पानी को अच्छे से मिलाने के बाद मैंने एंड में एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी थोड़ी सी भून कर डाल दी है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ ढक्कन लगाना है और इसको 5 मिनट तक ऐसे ही एकदम लो फ्लेम पर पकने देना है। 5 मिनट बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और इसको रेस्ट करने दिया था। और फिर जब आप ढक्कन खोलोगे ना दोस्तों, आपको बहुत ही अमेजिंग सी कटहल मिलेगी, कटहल भुना मसाला। आप देखना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी जो है वो सच में किसी भी नॉनवेज रेसिपी को फेल कर देगी। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। ये कटहल तो आप बना ही लोगे और बहुत अमेजिंग बनेगी, लेकिन क्या आप जानते हो न्यूट्री और पनीर को आप एक बहुत यूनिक ग्रेवी से बना सकते हो। इसमें मैंने प्याज और दही के साथ ग्रेवी बनाई है, वो देखने के लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।